कहाँ फजल बख्श, कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे? अरे यार क्या बताऊँ, सुबह से कहीं और अटेंडेंस चल रही है मेरी। तुम्हें पता है मुर्शिद साहब ने एक वजीफा दिया हुआ मुझे पढ़ने के लिए, बहुत जरूरी, बस वही कर रहा था। क्या हुआ, सब खैरियत? हाँ हाँ खैर है, बल्कि खैर के साथ साथ एक गुड न्यूज भी है। अरे खुशखबरी तो बताओ ना यार, मेरे कान तरस गए सुनने के लिए। अच्छा तो सुनो, आज फूफो आई थी जुहेब के साथ। फिर उस खबीस औरत ने कुछ और तो नहीं किया? सच सच बताना मुझे। नहीं नहीं वो तो फूट फूट के रो रही थी, माफिया मांग रही थी। थैंक यू सो मच फजल बख्श, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अरे मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, मैं तो अपने गांव में बैठा हूँ, दुआएं कर रहा हूँ बस बैठ के तुम्हारे लिए। तुम वाकई बहुत इनोसेंट हो, बाबा ठीक कहते हैं तुम्हारे बारे में, तुम सच में मुलाई हो। मुलाई क्या होता है? वो मुलाई जिनकी दुआओं में ना बहुत ताकत होती है, लेकिन उनको इस ताकत का नहीं पता होता। पता नहीं शिवरा तुम्हें क्या बात कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर ना समझो, छोड़ो। अच्छा तुम वापस कब आ रहे हो, मुझे मिलना है तुमसे। तो मिलते हैं ना गरीब की चाय पर। गरीब की चाय पर? तो मुझे मनाने आई थी याद करो, जिस जगह पे। हाँ, और जहाँ तुमने अपनी मोहब्बत तक पहुँचने का इरादा भी किया था। हाँ वही जगह पर। तो फिर देख लेना फजल बख्श, मेरी दुआ है तुम वहाँ तक बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। अरे तुम्हारी बात सुन के कसम से ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी मोहब्बत तक पहुँचूंगा नहीं, पहुँच चुका हूँ। चलो ठीक है, सुबह मिलते हैं फिर गरीब की चाय पर। ठीक है कल मिलते हैं। ठीक है ओके, शबा खैर, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो।